तो दोस्तों सब्सक्राइब कीजिए टेक्रूमर्स को और बेल आइकन को दबाएं ताकि मेरे वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। हेलो दोस्तों, क्या हाल है। तो आज मैं बात करने वाला हूँ पोको X2 के कुछ बग्स के बारे में। अभी इसमें MIUI 12 अपडेट के बाद बग्स थे तो उसके ऊपर ऐसे सेपरेट वीडियो बना चुका हूँ, लेकिन अभी कुछ नए बग्स के बारे में बात कर लेते हैं जो मुझे रिसेंटली इस फोन के अंदर देखने को मिला है। अभी सबसे पहले मैं चाहता हूँ कि आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि सबको इसके बारे में पता चल सके और पोको अल्टीमेटली इसके ऊपर एक्शन ले। और अगर चैनल को सपोर्ट करने का मन है आपका तो आप नीचे सब्सक्राइब भी कर सकते हो, तो इससे बहुत ज्यादा हेल्प हो जाएगी। अभी सबसे पहला बग या फिर जो इशू है वो है UI लैग्स। तो इसमें काफी सारे लैग मुझे देखने को मिले इसके UI में। अभी कुछ सर्टेन एप्लीकेशन जैसे कि WhatsApp के अंदर जो भी ऐसे नए एनिमेशन उन लोगों ने MIUI 12 अपडेट की बात दी है उसमें बहुत ज्यादा लैग होता है, जैसा कि आप इस वीडियो में देख ही सकते हो। इसके बाद यहाँ पर सेटिंग्स के अंदर भी काफी ज्यादा लैग मैंने नोटिस किया है, तो इसके वजह से यहाँ पर जो फोन को यूज करने का जो भी एक्सपीरियंस है वो बहुत ज्यादा खराब हो जाता है। अभी पोको X2 काफी एक पावरफुल मिड रेंज फोन है और ऑनेस्टली मैं बता रहा हूँ, मेरा जो 2 साल पुराना नोकिया का जो फोन है ना वो भी इससे काफी बेटर फील होता है यूजर एक्सपीरियंस के मामले में। तो पोको को इसको जल्द से जल्द फिक्स करना चाहिए। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर जो सेकेंड बग है वो बहुत ही ज्यादा खराब चीज मुझे इसके अंदर लगी। अभी थीम स्टोर के अंदर काफी सारे थीम्स वगैरह आपको देखने को मिले जाते हैं, तो एक दिन मैं काफी सारे ऐसे थीम्स वगैरह ट्राई कर रहा था, तो उसमें एक थीम था रेड एक्सेंट वाला, तो उसकी साइज थी लगभग 28 MB। अभी उसका नाम तो मुझे याद नहीं है, लेकिन मैंने ऐसे ही उसको अपने फोन में यूज किया और यूज करने के तुरंत ऐसे 2 सेकंड बाद मेरा फोन पूरा क्रैश हो गया। मतलब फोन के डिस्प्ले में कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था, हालांकि फोन फंक्शनल था, रिंगटोन वगैरह मुझे सुनाई दे रहा था, लेकिन इसके बावजूद भी फोन का पूरा जो डिस्प्ले है वो ब्लैंक था, यानी कि कुछ भी उसमें दिखाई नहीं दे रहा था। अगर ऐसा होता है तो उसका मतलब है UI क्रैश, मतलब आपका UI क्रैश हो रहा है किसी थीम या किसी वॉलपेपर की वजह से। तो ये थीम का इश्यू था, तो इसको सही करने के लिए मुझे फोन के रिकवरी मोड में जाकर फैक्ट्री रीसेट करना पड़ा, तो इसके बाद फोन सही हो गया, लेकिन ये बहुत ही ज्यादा खराब इशू है। और अगर इस टाइप के थीम वगैरह ऐसे थीम स्टोर में अवेलेबल है तो पोको या शाओमी को इसको जरूर से अपने थीम स्टोर से हटाना चाहिए, क्योंकि नॉर्मल यूजर अगर सेम चीज करेगा तो उनको भी ये सेम प्रॉब्लम अपने फोन में देखने को मिल सकती है। तो अभी अगर आपको बेस्ट थीम्स वगैरह चाहिए तो उसके ऊपर भी मैं एक सेपरेट वीडियो बना चुका हूँ, तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहाँ से आप इसको चेकआउट कर सकते हो। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर तीसरे कैटेगरी में जो बग्स आते हैं वो एक्चुअल में मैंने अपने फ़ोन में बिल्कुल भी नोटिस नहीं किया है, लेकिन मुझे कुछ ऐसे कमेंट वगैरह आते हैं जो इन बग्स के बारे में ऐसे कॉन्स्टेंटली डिस्कस करते रहते हैं। सबसे पहले बैटरी ड्रेन। अभी बैटरी ड्रेन का जो भी ऐसे प्रॉब्लम है वो बहुत टाइम से ऐसे पोको X2 में चला आ रहा है, लेकिन अभी काफ़ी सारे लोग ऐसा बता रहे हैं कि यहाँ पर MIUI 12 अपडेट के बाद उनको बहुत ज़्यादा बैटरी ड्रेन का प्रॉब्लम देखने को मिला है। तो अभी रिसेंटली मैंने एक बैटरी ड्रेन टेस्ट के ऊपर वीडियो बनाई थी, अगर आपने नहीं देखा तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो उस वीडियो में भी मुझे कोई भी ऐसे मेजर बैटरी ड्रेन का प्रॉब्लम देखने को नहीं मिला है, लेकिन काफ़ी सारे लोग इस इश्यू के बारे में ऐसे क्लेम कर रहे हैं। तो अगर आपके फ़ोन में बहुत ज़्यादा बैटरी ड्रेन हो रही है तो मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाई थी, मतलब ऐसे बैटरी सेविंग टिप्स के ऊपर, तो उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो वहाँ से आप उसको चेकआउट कर सकते हो। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर सेकेंड जो बग है वो है स्क्रीन फ्रीजिंग। अभी एक बंदा है जो हमेशा कमेंट करता है कि उसको अपने फ़ोन में स्क्रीन फ्रीजिंग का प्रॉब्लम देखने को मिल रहा है। अभी ये इशू मैंने अपने फ़ोन में बिल्कुल भी नोटिस नहीं किया है, लेकिन अगर आप में से कोई भी इसको अपने फ़ोन में एक्सपीरियंस कर रहे हो तो ज़रूर से आप मुझे कमेंट में इसके बारे में बता सकते हो। इसके बाद जो तीसरा बग है वो है स्लो चार्जिंग। अभी पर्सनली मैंने कोई भी स्लो चार्जिंग का प्रॉब्लम अपने फ़ोन में बिल्कुल भी नोटिस नहीं किया है। अभी मेरा जो फ़ोन है वो ऐसे 70 मिनट्स के आसपास फुल चार्ज हो जाता है, लेकिन कुछ ऐसे भी लोग थे जो क्लेम कर रहे थे कि ऐसे बहुत ज़्यादा टाइम लेता है, मतलब ऐसे 2 घंटे के आसपास टाइम लेता है फुल चार्ज होने में। तो अगर आपके फ़ोन में ऐसा इशू है तो आप मुझे ज़रूर से नीचे कमेंट में बता सकते हो। तो दोस्तों यही था सब कुछ जो मैं आपको इस वीडियो में बताना चाहता था, और आई होप आपको ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, और दोस्तों अगर आप मेरे चैनल को सपोर्ट करना चाहते हो तो ज़रूर से आप लोग नीचे सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलना। तो इसी के साथ चलिए दोस्तों मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।